हड्डियों को मजबूत बनाने की गारंटी है। 60 की उम्र में भी 30 जैसी फुर्ती रहेगी। आपका पूरा शरीर हड्डियों के ढांचे पर टिका होता है। एक ढांचे में किसी भी तरह की दिक्कत या कमजोरी आपके पूरे सिस्टम को गिरा सकती है। ऐसा माना जाता है कि 30 साल की उम्र तक हड्डियों में जितनी चाहे मजबूती भर लें। अगर इस उम्र तक हड्डियों का विकास हो गया तो बढ़िया, वरना इसके बाद हड्डियाँ कमज़ोर होती चली जाती है। इस उम्र के बाद हड्डियों में कमजोरी आना शुरू हो जाती है और उनके फ्रैक्चर होने का भी रिस्क बढ़ता रहता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिससे आप अपनी हड्डियों को हमेशा मजबूत रख सकते हैं। एक, खूब सारी सब्जियां खाएं। सब्जियां विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है, जो हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं के उत्पादक को उत्तेजित करती है। विटामिन सी के एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव हड्डी की सेल्स को डैमेज होने से बचा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं प्याज का सबसे अधिक सेवन करती हैं उनमें ऑस्टियोफोरोसिस का जोखिम भी होता है। तो घर में बच्चे हैं या बड़े हैं तो सभी को हरी सब्जी का सेवन जरूर करना चाहिए। बच्चे खासकर हरी सब्जी खाना पसंद नहीं करते तो उनको रोटी के फॉर्म में या फिर किसी भी तरीके से खिलाने की कोशिश करें। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट एक्सरसाइज करें। अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करने से हड्डियों को मजबूत बनाने और बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसके लिए सबसे अच्छी एक्टिविटी एक वजन उठाना है। इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जो नई हड्डी के निर्माण को बढ़ावा देती है। इसलिए ये नियम बना लें कि डेली ही आपको एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेगी, लचीली रहेगी। 3, प्रोटीन का खूब सेवन करें। स्वस्थ हड्डियों के लिए पर्याप्त प्रोटीन लेना जरूरी है। हड्डी का लगभग 50% हिस्सा प्रोटीन से बना होता है। कम प्रोटीन का सेवन कैल्शियम अवशोषण को कम करता है। इसके लिए मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पादों का खूब सेवन करें। 4, पूरे दिन कैल्शियम वाले खाद्य पदार्थ ही खाएं। कैल्शियम हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी मिनरल है और यह आपकी हड्डियों में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है। हड्डियों की संरचना और मजबूती के लिए रोजाना कैल्शियम का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। सप्लीमेंट की जगह खाद्य पदार्थों से कैल्शियम प्राप्त करना भी सबसे अच्छा माना गया है। तो कई लोग 30 के बाद सप्लीमेंट चालू करवाते हैं डॉक्टर से, पर अगर आप अच्छी हेल्दी डाइट रखें शुरू से ही तो आपको ये नौबत नहीं आ सकती है। 5, विटामिन डी और विटामिन के का रखें ध्यान। मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए विटामिन डी और विटामिन के बेहद जरूरी है। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। इसके लिए आप धूप में रहने और फैट वाली मछली और पनीर जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे डाइट लें जिससे आपको रोजाना कम से कम 1200 कैलोरी मिल सके। इसके अलावा कोलेजन सप्लीमेंट लें, वजन मेंटेन रखें, मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर चीज़ों का सेवन करें और खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी न होने दें। 6, योगर्ट का सेवन करें। वैसे तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए दूध पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि योगर्ट दूध से ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें दूध से कई गुना अधिक कैल्शियम पाया जाता है। इसलिए अपने डाइट में दही को शामिल जरूर करें। 7, सोयाबीन खाएं। हेल्थ कॉन्शियस लोग सोयाबीन की ज़रूरत को अच्छी तरह समझते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यदि आप रोजाना इसका सेवन करते हैं तो इससे हड्डियां मजबूत बनती है। इसलिए अपनी डाइट में सोयाबीन जरूर शामिल करें। जो सोयाबीन की दाल होती है उसमें भी प्रचुर मात्रा में
कैल्शियम पाया जाता है, तो अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करिए और सोयाबीन बड़ी। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।